मित्रों मित्रों, आज हम बात करेंगे देवर्षि नारद जी की, जो नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं, सबको समाचार देते हैं और सबके समाचार रखते हैं। देवर्षि नारद पत्रकारिता के आदर्श हैं। कैसे और कब देवर्षि नारद पत्रकारिता के आदर्श बने, इस वीडियो ब्लॉग में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें अच्छा लगेगा। मित्रों, भारतीय परंपरा में प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए दैवीय अधिष्ठान होता है, यह हमारी परंपरा है। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए जब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। संगीत, नृत्य और नाट्य के कलाकार भगवान नटराज की उपासना करते हैं। शक्ति के उपासक, शक्ति जो चाहते हैं, शक्ति के उपासक हनुमान या दुर्गा माता की पूजा करते हैं। चिकित्सा से जुड़े लोग भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं। इसी तरह पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग देवर्षि नारद जी का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। देवर्षि नारद पत्रकारिता के आदर्श माने गए हैं। उनकी जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया को पड़ती है। इस दिन देश भर में पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं और देवर्षि नारद को स्मरण करते हैं, उनकी पत्रकारिता को स्मरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवर्षि नारद अचानक से आद्य पत्रकार या फिर पत्रकारिता के आदर्श या प्रेरणा स्रोत माने जाने लगे, बल्कि वे तो प्रारंभ से ही पत्रकारिता के आदर्श हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्टन का प्रकाशन किया, तो उसके लिए उन्होंने नारद जयंती के शुभ अवसर का ही चयन किया। उदंत मार्तंड का पहला अंक 30 मई 1826 को छपकर आया। उस दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया थी, यानी देवर्षि नारद जी की जयंती। संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने आनंद के साथ पहले पृष्ठ पर अपनी संपादकीय में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा, आद्य पत्रिका देवर्षि नारद जयंती के शुभ अवसर पर यह पत्रिका प्रारंभ होने जा रही है। जनसत्ता, नभा टाइम्स और अमर उजाला जैसे बड़े समाचार पत्रों में संपादक रहे और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र ने अपने एक आलेख में लिखा है, हमारे यहाँ सन 1940 के आसपास पत्रकारिता की शिक्षा व कायदा शुरू हुई, लेकिन पत्रकारिता का जो दूसरा या तीसरा इंस्टीट्यूट खुला नागपुर में, वह एक क्रिश्चियन कॉलेज था। नाम था इस्लाम कॉलेज। जब मैं नागपुर में रह रहा था तब पता चला था कि उस कॉलेज के बाहर नारद जी की एक मूर्ति लगाई गई है, यह अच्युतानंद जी बता रहे हैं। वे पत्रकारिता के सर्वमान्य हस्ताक्षर हैं, उन्होंने ये बताया अपने आलेख में। इसी तरह 1948 में जब दादा साहब आप्टे ने भारतीय भाषाओं की पहली न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार की शुरुआत की, तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने हिंदुस्तान समाचार एजेंसी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि देवर्षि नारद पत्रकारिता के पितामह हैं, पत्रकारिता उन्हीं से शुरू होती है। कहने का आशय यही है कि देवर्षि नारद को पत्रकारिता का प्रेरणा स्रोत प्रारंभ से ही माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने जब पत्रकारिता के लिए, आधुनिक पत्रकारिता के लिए कोई प्रेरणा स्रोत की खोज की, तो वे सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले, तीनों लोकों में समाचार देने वाले देवर्षि नारद को ही चुना, उनको ही अपने प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्थापित किया। दरअसल हम नारद, देवर्षि नारद के संवाद कौशल का अध्ययन करते हैं तब हमें ध्यान आता है कि उनका प्रत्येक संवाद लोकहित के लिए था। इस बात को समझने के लिए प्रख्यात साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी दादा माखनलाल जी के उपन्यास कृष्ण अर्जुन युद्ध को पढ़ लेना चाहिए। कैसे नारद जी ने एक निर्दोष निरपराध यक्ष का जीवन बचाने के लिए अपने आराध्य विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को ही एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़ा कर दिया था, और अंततोगत्वा वे एक निर्दोष यक्ष को बचा सके। देवर्षि नारद के संवाद कौशल में पत्रकारिता के व्यवहारिक सिद्धांत भी हैं। पूर्ण सत्य बताना,
निर्भय होकर सत्य कहना, सही बात कहना, सच कहना, निष्पक्ष रहना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, डेस्क पे नहीं बैठना, जाना समाज के बीच में, सब जगह अपने न्यूज सोर्स बनाना, पीड़ित के साथ खड़े रहना, ऐसे अनेक गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए, प्रत्येक पत्रकार में होने चाहिए। और इन गुणों को हम देवर्षि नारद के संवाद कौशल से सीख सकते हैं। इस वीडियो ब्लॉग को हम इसी एक बात के साथ समाप्त करेंगे कि आज की पत्रकारिता को देवर्षि नारद से प्रेरणा लेने की, देवर्षि नारद के संवाद कौशल से, उनके संचार कौशल से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो मित्रों, देवर्षि नारद इसलिए पत्रकार, आद्य पत्रकार माने जाते हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने पत्रकारिता जिन्होंने नींव रखी भारत में, उनने भी देवर्षि नारद को पत्रकारिता के लिए प्रेरणा स्रोत का अधिष्ठान बनाया। तो फिर हम किसी एक विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।